Let's learn and earn from your home. Learning with earning. अच्छा, अब आपने अगर आपने ब्लॉग स्टार्ट किया तो वेबसाइट है, ठीक है, आपने 3 से 4 बार तो उस पर कॉन्टेंट कुछ ना कुछ लिख के प्लेस करना एक वीक में, क्योंकि ये नहीं होता कि अब आप अपडेट नहीं कर रहे, आप बहुत अच्छा सा आर्टिकल डाल के बैठे हो, आप वेट कर रहे हो बस आएगी आएगी ट्रैफिक आएगी, 2 हफ्ते गुजर गए और कुछ लिखा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने मतलब अगर कोई ब्लॉग किसी बंदे ने बनाया ना तो वो ज़्यादा मतलब यूजर फ्रेंडली होता है, एसईओ फ्रेंडली होता है, क्योंकि लोग उसको अपडेट करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि एक बंदा सिर्फ अपनी कहानियाँ रोज लिख के डाल रहा है या अपनी डायरी लिख रहा है तो वो रैंक हुआ हुआ है, लोग उसे पढ़ रहे हैं, बहुत ट्रैफिक है उसके पास, बहुत लोग जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो रोज लिख रहा है, एक वो डेली बेसिस पे लिख रहा है तो उसका कॉन्टेंट फ्रेश आ रहा है, उसका जो ब्लॉग है वो अपडेट होता रह रहा है, रोज अपडेट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए उसकी जो साइट है वो रैंक कर रही है। अब आपने पहले से प्लान कर लेना है, देन उसके बाद आर्टिकल को ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग बनाना है, और उसके बाद हेडर्स और सब हेडर्स यूज करने हैं, मतलब टैग्स होते हैं एचटीएमएल में, H1, H2, H3 एंड सो ऑन, एचटीएमएल के टैग्स होते हैं, जिसको एचटीएमएल पता है उनको पता होगा, और हेडर्स सब हेडर्स आपने यूज करने हैं, बुलेट पॉइंट्स यूज करने, तो ये सारा मैं बता चुकी हूँ कैसे आपने करना होता है, और एंकर टेक्स्ट का भी बता चुकी हूँ, एंकर टेक्स्ट जो है वो आपने वहाँ पे किसी भी पेज को के लिए जाने के लिए आपने वो यूज करना है। अच्छा, हाई रैंक साइट पे आपने जाके लिंक करना है, लाइक अगर आप किसी भी साइट पे गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हो तो आप वहाँ जाके अपने साइट का आपने एक एंकर टैग्स डाला हुआ है, और लोग जाहिर सी बात है उस पर तो ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक आ रही है, वो आपका आर्टिकल पढ़ेंगे, उनको पसंद आएगा, वो उस लिंक पे क्लिक करेंगे जो आपने एंकर टैग्स डाला होगा, फिर वो साइट आपकी जो भी ब्लॉग है वेबसाइट है उस पर उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और फोटोज यूज करने इमेजेस वगैरह उस पर ऑल टैग्स यूज करते हैं, तो फोटोज इमेजेस भी यूज करना मतलब बहुत जरूरी होता है, लाइक मैटर करता है। अच्छा, ये सिंपल है कि अगर आपको मतलब बाकी बहुत टेक्निकल चीजें नहीं समझ आ रही, मतलब अच्छा लिखें, इंसानों की तरह लिखें, इंटरेस्टिंग लिखें, मतलब इंसानों की तरह लिखें और इंसानों के लिए लिखें, खैर अच्छा, और टाइटल आपके बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद आप दूसरों को लिंक करेंगे, देन दूसरे आपको लिंक करेंगे, मतलब आपको उनकी ट्रैफिक जाएगी, उनको आपकी ट्रैफिक जाएगी, और फिर हेडलाइंस, और फिर मैटर डिस्क्रिप्शन, एंड अब लिंक्स आपने डाले हुए हैं, और भी वैल्यूएबल आर्टिकल्स हैं, उन वेब पेजेस डाले हुए, उनके लिंक्स डाले हुए हैं, और अच्छा एक चीज होती है कि छोटी छोटी लाइनें और छोटे छोटे पैराग्राफ, ये चीज लोग बहुत प्रेफर करते हैं, सर्च इंजन भी प्रेफर करते हैं, लोगों के लिए इजी होता है रीड करने को और सर्च इंजन के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है, ये अगर आप लोग करेंगे, ये सारी चीजें भी आप लोग कर रहे हैं तो ये आपका 90% ऑफ एसईओ हो जाता है। इमेजेस डालना बहुत जरूरी होता है, अगर आप मतलब इमेजेस डाल रहे हो और आपसे वो किस तरह का कंटेंट लिखवा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, लाइक अगर आप उनका समझे कि कॉन्टेक्ट वाला पेज लिख रहे हैं तो वो चीज अब आप उस कॉन्टेक्ट वाले पेज पे 2500 वर्ड्स का नहीं लिख सकते, ठीक है, तो उस पे आपको उतना ही लिखना जितना आना चाहिए, मतलब वैसे अगर आप सिंपल एक आर्टिकल लिख रहे हो तो अगर आप बहुत लंबा लिख रहे हो और बिल्कुल भी मतलब उसमें आप इंगेजिंग नहीं है तो फिर लोग जाहिर सी बात है उसको नहीं पूरा नहीं पढ़ेंगे तो फायदा नहीं होगा, तो 500 वर्ड्स नॉर्मल है, ठीक है, अब आप 500 वर्ड्स नॉर्मल आपने लिख लिया है, आपने बहुत अच्छा लिख लिया है, और फिर उसके बाद आपने 2500 वर्ड्स का भी लिखा है वो भी बहुत अच्छा है, आजकल आई थिंक 1000 वर्ड्स के भी चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ऐसा है कि अब आपने जो है वो इमेजेस ऐड कर दिए हैं, पिक्चर क्वालिटी, अब आपने आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा है, बीच में इमेज इतना कोई थका हुआ इमेज डाला है, लाइक इतना उसकी रेजोल्यूशन इतनी बेकार है कि उसको देखने का दिल नहीं कर रहा, तो ये वाली चीज भी नहीं करनी, इमेज बहुत अच्छा सा डालना है उसमें जो भी आपका आर्टिकल होगा, और फाइल साइज जैसा आप मतलब जितना कम रखें उतना अच्छा होता है, लेकिन ये है कि आपने उस इमेज को अच्छी मतलब अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है, और ऑल टेक्स्ट डालते हैं हम इमेजेस में, देन कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल भी ओके नहीं होती, और अगर आपको कोई चीज नहीं श्योर उसको आप ढूंढ लें वो बहुत बेटर होता है,
ऐसा है कि अगर आपने सिंपल एक लाइन लिखनी है उसको आप बहुत छोटा सा लिख सकते हो, लेकिन आप उसको इतना मतलब खींच के रह जाओगे, उसको एक लंबी लाइन बना दोगे, ये चीज नहीं करनी। जैसे आप एप्पल को कहो कि एक राउंड रेड और ग्रीन फ्रूट है, आप उसको एप्पल भी तो कह सकते हो ना, उसको इतना मतलब खींचना क्योंकि राउंड रेड या ग्रीन फ्रूट है वो, क्यों नहीं, ऐसा नहीं करना। जिस वर्ड जो एक वर्ड एक पूरे सेंटेंस को डिफाइन कर रहा है उसकी जगह वो वर्ड ही यूज करें, वो पूरा सेंटेंस मत लिखें। तो बिल्कुल भी लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। ओके दैट्स इट।